इंडियन आइडल अपने फिनाले से बस कुछ ही दिनों की दूरी पर है और इतने महीनों तक चलने वाले इस शो को मिल जाएगा अपना एक विजेता। पर वो विजेता कौन होगा, उन नामों के बारे में अक्सर शो में भी कयास लगाए जा चुके हैं और कुछ दो तीन नामों में हमेशा से ही कंफ्यूजन रहता ही था। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन तीन बड़े नामों की जो शो को जीतने से बस एक कदम की दूरी पर हैं। तो नंबर तीन पर है रिदम कल्याण। रिदम इस शो के सबसे छुपे रुस्तम कंटेस्टेंट साबित हो सकते हैं। उनकी हर परफॉर्मेंस अच्छी रही है और जजेस ने भी उन्हें यही कहा है कि तुम्हारे अंदर और क्या क्या है, हर बार कुछ अलग ही परफॉर्मेंस करते हो, पिछली बार से अच्छी परफॉर्मेंस नई परफॉर्मेंस में होती है। तो इस वजह से नंबर तीन की कुर्सी के हकदार हैं रिदम कल्याण। बात करते हैं आप नंबर दो की, तो इस पर टाई हुआ है रोहित राउत और अंकुना मुखर्जी के बीच, क्योंकि दोनों ही लाजवाब कंटेस्टेंट हैं। जहां रोहित इस शो के सबसे अनुभवी कंटेस्टेंट हैं, तो अंकुना शो की सबसे छोटी कंटेस्टेंट, पर दोनों ही अपनी परफॉर्मेंस के वक्त वही धारदार गायकी का प्रदर्शन करते हैं और सबके मुंह बंद कर देते हैं। इस वजह से ये दोनों नंबर दो की कुर्सी के हकदार हैं। बात करते हैं आप नंबर वन की, तो नंबर वन पर हैं बठिंडा पंजाब के सनी हिंदुस्तानी। सनी अपनी गायकी से अब तक सभी का दिल जीत चुके हैं और खुशी की बात तो यह है कि वो फिर से अपनी खोई हुई फॉर्म में वापस लौट आए हैं। अपनी अंतिम भजन परफॉर्मेंस में उन्होंने जैसे मंच ही हिला दिया था। तो सनी हिंदुस्तानी के जीतने के चांस सबसे ज्यादा हैं। आपकी राय क्या कहती है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी टीवी और बॉलीवुड दुनिया की ऐसी ही चटपटी खबरों के लिए देखते रहें बॉलीवुड झमेला। शुक्रिया।